नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे उत्तर भारत की खास आमरस वाली छोटी सी थाली, जिसमें आमरस, आलू की सब्जी और पूड़ी होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आमरस बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 3 दशहरी आम लिए हैं, इन्हें छील लेंगे। आप कोई भी आम ले सकते हैं। आम को छील लिया है तो अब इसका पल्प निकाल लेंगे, इसे ऐसे काट लेंगे। ऐसे कट करके निकालने से आम का सारा पल्प आसानी से निकल जाता है। इधर लोग आम के सीजन में आमरस बनाना बहुत पसंद करते हैं। इसे बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी शौक से खाते हैं। एक बाउल में मैंने आम का पल्प निकाल लिया है, तो अब इसे मैश करेंगे। मैं मैश करने के लिए मैशर का यूज़ कर रही हूँ। आप इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। पल्प को मैश कर लिया है तो अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 4-5 इलायची क्रश करके डालेंगे। इलायची का स्वाद आम रस में बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये आम मीठा है, लेकिन मैंने इसमें 1 चम्मच शक्कर डाली है। अब 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं, दूध से इसका कलर हल्का हो जाएगा और ये मैंगो शेक की तरह हो जाएगा, जो हमें नहीं बनाना है। आमरस रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है और इसमें कुछ नहीं डालेंगे। अब आमरस को एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, अभी इसे साइड में रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब मैंने 4 कच्चे आलू लिए हैं, जिन्हें छीलकर पानी में डाला है। इनकी स्लाइस निकालेंगे चिप्स की तरह। वैसे तो इस थाली में आलू टमाटर की सब्जी बनाई जाती है या आलू उबालकर उसकी सूखी सब्जी बनाई जाती है। मैं आज आलू की सब्जी चिप्स के शेप में काटकर भुजिया की तरह बना रही हूँ। और ये देखिए, इसे ऐसे ही कट करना है। आलू काट लिए हैं तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। अब पैन गरम करके उसमें 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। आप रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। और अब पैन में आलू डालेंगे। आलू को मसालों के साथ चलाएंगे। इसे मसालों के साथ 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करें। अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद वापस चलाएंगे। अब पैन को 3-4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 4 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन हटा देंगे। भुजिया को चलाएंगे। आलू चेक करके देखते हैं, ये अभी पूरी तरीके से नहीं पका है तो 2 मिनट के लिए दोबारा कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। भुजिया को आराम से चलाएंगे, नहीं तो सारे चिप्स टूट जाएंगे। वैसे भी मैंने चला चला कर तोड़ ही दिए हैं। फिर से आलू चेक कर लेंगे, ये पक गया है। तो अब इसमें 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर पाउडर का टेस्ट भुजिया में बहुत अच्छा लगता है। आलू की भुजिया तैयार है, तो चलिए पूड़ी के लिए आटा गूंद लेते हैं। मैंने यहाँ 2 कप आटा लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून सूजी डाली है। सूजी डालने से पूड़ी आसानी से फूल जाती है। अब आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे। हल्का सा खस्तापन लाने के लिए 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब आटा, नमक, सूजी, तेल, सारी चीजों को मिलाना है और अब आटे का एक सख्त डो तैयार करेंगे। पूड़ी वाला आटा कड़ा हो लेकिन टच करने में मुलायम हो। आटा रेडी है तो चलिए पूड़ियां बना लेते हैं। आटे का थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर इस तरीके से लोइयां काट लेंगे। अब इन्हें गोल कर लेंगे। अब एक लोई को बेलना शुरू करेंगे। लोई के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल के साथ भी इसे बेल सकते हैं। और अब लोई को पूड़ी की साइज में बेल लेंगे। पूड़ियां बेलने तो सबको आती हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 पूड़ियां बेल लिए हैं। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तेल गर्म हो गया है तो अब इसमें एक एक करके पूड़ी डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। यदि आपने आटा कड़ा गूंदा है और उसमें सूजी डाला है तो पूड़ियां ऐसे ही बनेंगी फूली फूली। देखिए कितने आसानी से पूड़ी फूल जा रही है। पूड़ी बनाते समय गैस की फ्लेम लो नहीं रखेंगे, मीडियम और हाई इसी फ्लेम पे काम करना है। पूड़ी तलने के लिए कढ़ाई में तेल भी बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। पूड़ियां तैयार हैं तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। और ये अवध की मज़ेदार आमरस वाली थाली तैयार है, जो कि एक्चुअली प्लेट है। उम्मीद है आपको ये थाली ज़रूर पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।
और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।